राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के तत्वावधान में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एवं सुधा मोदी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय वंदन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि रक्त या इसके घटक संपूर्ण रक्त पैक की हुई लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हो। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ यूनिट है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 सेकंड में भारत में किसी को रक्त की आवश्यकता होती है और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का कोई विकल्प नहीं है और 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। इस अवसर पर राष्ट्र वंदन युवा परिषद के अध्यक्ष नवीन चंद्र पांडे, महामंत्री राहुल कुमार समेत संजय श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन दुबे, अनुराग श्रीवास्तव, मुकेश यादव, प्रशांत मुदनवाल, मातृशक्ति अध्यक्ष विनीता पांडे, महामंत्री रीता शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रीति श्रीवास्तव, उपासना श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, प्रणव, राहुल गुप्ता, दीपक मौर्य, मुकेश दुआ, देवी लाल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्र वंदन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, मैंने 74 बार खुद दी बच्ची का शुगर कंट्रोल कर दी। पीछे आना भाई, बाबू पीछे आ जाएगा। 2018 एक समाज सेवा ही है ब्लड डोनेट करना। लेकिन अभी कुछ लोगों के दिमाग में लगा है कि खून देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों को जीवन मिलता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्र वंदन समिति द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं के में समाज सेवा की भावना को प्रबल बनाने की राष्ट्र वंदन समिति हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है। जैसा कि जानते हैं, रक्त एक ऐसा शरीर का एक ऐसा अपव्यय है जिसको बनाया नहीं जा सकता। वह परस्पर सहयोग और दान से ही एक दूसरे की जान जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो बचती है। इसलिए आज हम लोग रक्तदान के माध्यम से हम उन असहायों को, सैनिकों को अपना ये रक्त डोनेट कर रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं जिनको देश के लिए, समाज के लिए ऐसी जरूरत पड़ती है। हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक रक्त 4 जिंदगियां बचाता है, रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं होती, जबकि रक्त रिफाइंड होता है, रक्त और बढ़िया हो जाता है। इसलिए रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करके वर्ष भर में एक बार सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कभी भी, भगवान न करे, किसी को भी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए रक्तदान अवश्य करें।